हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको पैराडॉक्स एकेडमी पे। मैं हूं वतनराज और आज हम आपके बीच लेकर आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक का, यानी यूपी के सारे लोग तैयार हो जाएं मेरे साथ, क्योंकि हम एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हमें इंजीनियरिंग का क्या होता है नहीं होता है वो सारा कुछ पता है। तो सारे इन्फॉर्मेशन हम बाद में देंगे, पहले हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जो यूपी पॉलिटेक्निक में आप डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपको एग्जाम पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टोटल क्वेश्चन क्या है, टोटल मार्क्स एंड एग्जामिनेशन कैसा होता है, निगेटिव मार्क्स है या नहीं है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कितने परसेंट पे मिलेंगे और मिनिमम रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या होना चाहिए, ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आज ही आपको मिलने वाला है। तो हमारे साथ अभी से लेकर लास्ट तक बने रहें और देखिए हम क्या क्या बताने वाले हैं। और यह इन्फॉर्मेशन देने के बाद जस्ट 25 फरवरी यानी 25 तारीख से आप सभी के लिए लाइव टेस्ट लेकर हम लोग आएंगे यूपी बोर्ड वाले के लिए, इसी तरह से झारखंड, इसी तरह से दिल्ली, इसी तरह से बिहार और इसी तरह से एनी अदर इंडिया का जो भी हो राज्य हो, सारे राज्य के लिए पॉलिटेक्निक का सिलेबस अप्रॉक्स ऑल ऑन एंड एवरेज सेम ही होता है। तो चलिए हम समय नहीं गंवाते हुए आपके पीछे स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपके पास है एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न जो होता है इसका कि एग्जाम पैटर्न आपका तीन विषय इसमें होता है मेनली, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100। तो याद रखिए 100 क्वेश्चन होता है और 100 के 100 आपको बनाने हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बनाते हैं। तो ये होता है और टोटली ये कितने मार्क्स का होता है, तो 400 का। आगे हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब बोलिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कितने मार्क्स का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कितने मार्क्स का होता है, तो ये हम आपके बीच बताना चाहेंगे। तो फिजिक्स आपका हो जाएगा 25 क्वेश्चन रहता है और केमिस्ट्री में हो जाएगा आपका 25 क्वेश्चन रहता है और आपका मैथ में हो जाएगा तो कितना रहता है 50 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना हो गया 100। अब आइएगा टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना हो गया, तो यहाँ पर देखिए 100। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है। टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स जो होता है पर में 4 से गुना कर लीजिए, यानी 100 क्वेश्चन है तो 4 से गुना कीजिए यानी 400। कितने मार्क्स होते हैं, 400 मार्क्स होंगे आपका। फिर उसके बाद आप देखिए, अब आपके पास बहुत ही बड़ा सवाल है कि इसका एग्जामिनेशन जो होगा वो कितने आवर का होगा, टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन इसका क्या है, तो आपका 3 आवर का है। कितने आवर का, 3 आवर का। अब इस पर एक खास अहमियत इम्पैक्ट डाल के बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, तो यूपी ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें 3 घंटे का पेपर होता है, नहीं तो सारे लोग 2.5 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे इस तरह से पेपर देते हैं। मैक्सिमम 3 घंटा देने वाला यूपी बोर्ड है, तो ये आपके लिए एडवांटेज है। जैसे बिहार पॉलिटेक्निक के लिए निगेटिव मार्क नहीं है तो उनके लिए एडवांटेज है, आपके लिए निगेटिव मार्क है। तो क्या निगेटिव मार्क्स है, तो अगर आप बना रहे हैं एक क्वेश्चन और वो गलत हो जा रहा है तो वो कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का, लेकिन आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया तो उसमें से 1 मार्क्स कटेंगे, मतलब उस क्वेश्चन का नहीं, जो क्वेश्चन आपने सही बनाया उसका 1 क्वेश्चन। अब इसको समझ लिए, अब एक तरीका से और समझते हैं। अगर आपने 4 सही क्वेश्चन बनाए हैं, समझ में आया, 1 सही क्वेश्चन बनाए हैं और 4 गलत मार दिए हैं, 1 राइट यानी 1 जो राइट बनाए हैं और 4 रॉन्ग बना दिए हैं, तो 4 रॉन्ग में से 1-1 मार्क्स सब में से कटे तो -4 और 1 सही बनाया तो 4 मार्क्स मिला, तो टोटल मिलके क्या हो गया, 0। मतलब 1 सही वाला आपका कट जाएगा अगर 4 गलत पे, यानी याद रखना है कि 4 मार्क्स में से 1 मार्क्स मेरे कट जाएंगे अगर निगेटिव मार्क्स में हम जाए तो, समझ में आया, तो याद रखिएगा। अब बात रहा टॉप गवर्नमेंट कॉलेज और ब्रांच कैसे मिलेंगे, तो ब्रांच का अलग प्रिफर होता है, हर एक कॉलेज में आपको कॉलेज मिल जाएंगे, ब्रांच जल्दी जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, तो ब्रांच पहले देखना होता है फिर कॉलेज देखना होता है, क्योंकि ब्रांच आपका लाइफ बनाता है। अगर हम बिहार से ब्रांच किए हुए हैं
इलेक्ट्रिकल से, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पूरा ऑल ओवर इंडिया में महत्व है, ना कि अब हम यूपी में चले जाएं और यूपी के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लें, हम किए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो इंस्ट्रूमेंटेशन का वैल्यू नहीं हो तो फिर वो कोई काम का नहीं हो जाता। इसलिए मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने ब्रांच को पहले प्रीफर कीजिएगा फिर कॉलेज को, क्योंकि ब्रांच आपका करियर बनाएगा। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का मिनिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए, तो गवर्नमेंट अगर टॉप कॉलेज चाह रहे हैं तो मिनिमम आपको 70% मार्क्स चाहिए, इससे कम एलिजिबिलिटी पे चांस कम है। बट अभी जितने कॉलेज यूपी या बिहार में खुल रहे हैं उससे हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि 50% तक वाले बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं अच्छे से और अच्छे ब्रांच में जा सकते हैं, लेकिन एडमिशन तो 30 to 35% वाले का भी हो जाएगा, क्योंकि इतने कॉलेज खुल रहे हैं उसमें ब्रांच इतने सारे हैं कि ब्रांच नहीं अगर देखिएगा, कॉलेज अगर नहीं देखिएगा तो आपको 30 से 35 तक भी मिलने का चांस है रेयरली, लेकिन 50% पे आपको कॉलेज मिल सकते हैं ब्रांच नहीं, ब्रांच मिल सकते हैं कॉलेज नहीं। 70% पे आप जो चाहते हैं, 70, 80, 90 जो लाइए उस पर आप जो चाहते हैं वो ब्रांच और वो कॉलेज मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो और ये था आपका इन्फॉर्मेशन एग्जाम पैटर्न से लेकर आपका एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछता है, क्या है, क्या डिसएडवांटेज है इसका, तो निगेटिव मार्क्स इसमें है, ये डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू बिहार पॉलिटेक्निक। और क्या इसका एडवांटेज है, तो सबसे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन देता है ये आपका कौन सा, तो यूपी पॉलिटेक्निक। तो यूपी पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम निकलवाने आपके लिए पूरा कोशिश करने, पूरा एफर्ट लगाने और आपके साथ समय टू समय आपको सारा कुछ बताते हुए, सारा इन्फॉर्मेशन देते हुए आपके बीच आ चुका है प्रारॉक्स एकेडमी, जहां पे आपको लाइव भी मिलेगा, जहां पे आपको प्रारॉक्स क्लासेज को ज्वाइन करने पे ऐप भी परचेज करिएगा, तो वहां भी आप पढ़ सकते हैं फ्री में, वहां बहुत कुछ मिलने वाला भी है। तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए, भूलिएगा नहीं 25 फरवरी से, और इस वीडियो को इतने दूर तक फैलाइए पूरे यूपी के बच्चे देखें, जिनको भी जरूरत हो वो प्रारॉक्स एकेडमी और प्रारॉक्स क्लासेज के साथ जुड़ जाए। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने देखा यूपी पॉलिटेक्निक को, फिर हम लेकर आएंगे किसी और पॉलिटेक्निक का और सारे लोगों का, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको वायरल कीजिए। और जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जैसे आप लोग को भी कुछ लगता होगा कि सर इस पे वीडियो बनाइए, सर उस पे वीडियो बनाइए, सर इस पे कीजिए, ऐसे कीजिए, सर एग्जाम में पॉलिटेक्निक देने से हमें फायदे क्या हैं, सर कितने टाइम में क्या करना होगा कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, तो ये सारे चीज पर अगर डिमांड करेंगे तो आपके लिए हम स्पेशली वो वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय बाय, सी यू अगेन।